दोस्तों नमस्ते, हाय, किरण के चौका में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं मशरूम, शाही मशरूम। ये देखिए मशरूम है, मार्केट में हमेशा मिल जाता है। ये देखिए ताजी वाली है, ये देखिए आपसे दिखा देते हैं, देख रहे हैं, ये मशरूम है। आइए इस पर आप मसाला बना लें। शाही मशरूम बनाने के लिए ये प्याज है, ये प्याज है, प्याज छील लिए हैं, अब काटेंगे इसको। ये देखिए 5 काजू के बादाम है, काजू है, काली मिर्च है, जीरा है, ये 5 लाल मिर्च है, तेज़पत्ता है, ये अदरक है, किंची, सभी चीज़ों को हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। आइए दोस्तों गैस चला लिए, कढ़ाई रख लिए हैं। ये देखिए नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं है, देखिए ओनियन कढ़ाई, इसमें खाली पेंट डाल दिया गया। ये इसमें हम डाल दें सरसों तेल थोड़ा सा, 1 चम्मच, ये देखिए बड़ा चम्मच से 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, जीरा चटक गया, लाल मिर्च तेज़पत्ता डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, ये देखिए डाल दिए हम, इसमें डाल देंगे प्याज, 1 इलायची, दालचीनी और लौंग मिर्चा, काजू, बादाम, इन सब चीज़ों को डाल देंगे, देखिए डालकर हम मिक्स कर देंगे। अरे दोस्तों 2 टमाटर इसको हम काट लेंगे, लाली टमाटर आप लोग ने टमाटर डाल देंगे काट कर, इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, क्योंकि ये टमाटर होता प्याज और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक देंगे तो सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें। ये देखिए दोस्तों सब चीज़ सॉफ्ट हो चुका है ये, अब इसे हम गैस को बंद कर देंगे तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों आप लोग को शिमला मिर्च अच्छा लगे तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 शिमला मिर्च हम इसे काट लेंगे, हम इसे भी बताएंगे कैसे डालना है इसमें। देखिए दोस्तों ठंडा हो गया, आइए हम मिक्सी जार में इसको हम डाल के अच्छे से हम पीस, देखिए ये देखिए दोस्तों सारा मिश्रण जार में रख दी, मिक्सी जार में, एक इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे, अच्छे से इसको हम बारीकी से पीस लेंगे, जितना बारीक हो उतना आप पीस लें। दोस्तों देखिए ये मिक्सी जार में रख कर हम मिक्सी चला लेंगे, आइए इसका भी हम इस तरीके से टुकड़ा कर लें, ऐसे छोटा भी चाहे तो इसे छोटा भी टुकड़ा कर लें। आइए फिर से कढ़ाई धोकर हम रख दिए हैं, तो देखिए हम आइए दोस्तों तेल डाल दें हल्का सा, 1 चम्मच से कम ही डाल दें, कढ़ाई हो गया है गर्म, तब तक शिमला मिर्च को हल्का फ्राई कर लें, 1 से 2 मिनट के लिए इसको खुले में भून लेना है। ये देखिए दोस्तों निकाल दिए इसे, आइए इसमें फिर 1/2 चम्मच तेल डाल देंगे हम, मशरूम को डाल के हल्का भूज ले हम, देखिए इसे भी 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे, इसे भी निकाल देंगे इसे शिमला मिर्च में, देखिए शिमला मिर्च बिल्कुल ऐसे ही भूजिएगा आप लोग, फ्राई कीजिएगा तरीके से। दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे तेल, तेल ज़्यादा गर्म ना हो नहीं तो मसाला जल जाएगा। इसमें हम डाल देंगे कलर वाला मिर्च, डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच 1 चम्मच धनिया, तीखी वाली मिर्च आप अपने हिसाब से डालें जितना तीखा खाते हो, ये सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये जो पेस्ट मसाले का बना है ये भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए शाही पनीर बने या शाही मशरूम बने उसमें 1/2 चम्मच आप चीनी जरूर डाल दें। अभी दोस्तों आइए इसको अच्छे से हम मसाले को भूज लें जब तक ये तेल ना छोड़ दें, अच्छे से पका लें हम मसाला। देखिए दोस्तों मसाला उसी तरीके का हो गया, 4 से 5 मिनट भूज लिए हैं, अभी कम से कम 2-3 मिनट और भी जाएगा अच्छे से मसाला। ये देखिए दोस्तों मसाला अच्छे से भुजा चुका है, पूरा तेल निकल गया है, देखिए ऐसे ऐसे तेल छोड़ दिया है। मशरूम और शिमला मिर्च हम डाल दिए, ये देखिए इसमें हम मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। अब ध्यान रखिएगा कि मसाला मिर्च और नमक डाल दिए थे हम, आप स्वाद अनुसार नमक जरूर डाल दें इसमें, इसे हम तेज आंच पर अभी भूज देंगे कम से कम 1 मिनट के लिए, पूरा मसाला इसमें मिक्स हो जाए, नमक अंदर तक चला जाए। ये देखिए दोस्तों फ्रेश मलाई अभी हम दूध से निकाले हैं, इस मलाई को हम इसमें 1 से 2 चम्मच ये देखिए डाल दिए, ऐसे भी अच्छा से हम मिक्स कर लें।
दोस्तों अच्छे से मलाई मिक्स कर दी, जैसे कि 1 मिनट के लिए इसे भी हम भूज लें अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, आपको सूखी खाने की पसंद है सूखी, तो सूखी ऐसे इस तरीके से बना के आप उतार लें, नहीं तो इसमें 1 कप पानी डाल दें थोड़ा सा डाल के, इसको हम 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे पूरा मिक्स हो जाए। इसमें गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच, ओके हम मिक्स कर देंगे। इसको हम अभी 1 मिनट के लिए ढक देंगे कि अच्छा से ये पूरा पानी और मसाले एक साथ मिक्स हो जाए और थोड़ा सा उबाल आ जाए इसमें। आइए दोस्तों इसको खोल के पूरा हम देख ले, चेक कर ले। देखिए दोस्तों सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम डाल लें कुछ धनिया पत्ता थोड़ी सी, ये कस्तूरी मेथी हल्का सा, तवे पर हम भूज लिए हैं, सभी चीज़ों को डाल के मिक्स कर देंगे। अभी हम प्लेट में आपको निकाल के दिखाते हैं, गैस ऑफ कर दिए। ये देखिए दोस्तों, ये हम निकाल के दिखाते हैं आपको।